राधे राधे। आप सब लोग, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। तो आरती की कमेंट थी, वो पूछ रही थी कि लड्डू गोपाल को गर्मियों में कैसे चंदन सेवा करें उनकी, और लड्डू गोपाल काले भी पड़ जाते हैं तो कैसे इनको शाइनी बनाए रखें लड्डू गोपाल को। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। हमने इसमें ये थोड़ी सी हल्दी ली है, और हल्दी घर की पिसी होनी चाहिए। ये मैंने पीला वाला चंदन लिया है ये, और इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला है इसमें ये, और मैंने थोड़ा सा ये एलोवेरा लिया है ये, तो इसमें मैं थोड़ा सा एलोवेरा डालूंगी ये। इस तरीके से थोड़ा सा निकाल, बहुत ही आसानी से निकल जाता है ये एलोवेरा। ये मैंने इसमें थोड़ा सा एलोवेरा ऐड कर दिया है। अब हम लड्डू गोपाल की इससे मसाज करेंगे, और फिर देखना लड्डू गोपाल कितने सामने बन जाते हैं। और ये धातु के होते हैं तो इसलिए जल्दी काले पड़ जाते हैं। अब मैं इनकी कच्ची निकाल देती हूँ पहले। अब ये देखो, और आँखों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लड्डू गोपाल को। ये मैंने ऐसे इसको मिक्स बना लिया है। ये मैंने थोड़ा सा फेंट लेना अलविदा की वजह से, तो मैंने ये देखो अब ये अच्छा उपटन जैसा ये बन गया है। और अब हम हल्के हल्के हाथों से ऐसे मसाज कर देंगे लड्डू गोपाल की। और अगर आँखों में चला भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी लड्डू गोपाल को। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो जिससे लड्डू गोपाल को दिक्कत हो। और ऐसे हल्के हाथों से पूरे शरीर पे ऐसे मालिश कर दें, और इससे ठंडक भी मिलेगी लड्डू गोपाल को, क्यों इसमें चंदन है इसलिए। और ये देखो मैंने पूरे शरीर पे धीरे धीरे इसकी मालिश कर दी। अभी देखना कितनी अच्छी शाइनिंग आएगी। ये देखो ये धातु के बने होते हैं तो इसलिए काले पड़ जाते हैं, और गर्मियों में पीतल बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। ऐसे हाथों पर, पैरों में, सभी जगह लड्डू गोपाल को लगा दें, और 1-2 मिनट तक ऐसे धीरे धीरे मसाज करते रहें, और अच्छा लगेगा लड्डू गोपाल को ना बाबू। ये देखो मसाज भी हो रही है, और लड्डू गोपाल की थकान भी दूर हो रही है। अभी देखना कैसे एकदम अच्छे से बढ़िया चमकदार हो जाएंगे लड्डू गोपाल। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। ये देखो हो गया, अभी हो गया है। अब इनको सादा पानी से ही नहला दें। ये देखो हमने सादा पानी से, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। अब ये देखो कितने बढ़िया हो गए हैं। अब ये थोड़ी देर से छूटेगा तो हल्के हल्के हाथों से ऐसे इनको निकाल दें। ये उठ, ये हो गया, देखो कितने शाइन आ गई है अच्छी से। ये देखो सफ़ेद एकदम लगने लगे हैं, हल्के हल्के पीले, और एकदम से डार्क लग रही थी, काले काले पड़ गए थे लड्डू गोपाल। जैसे हम पूजा करते हैं तो कहीं पानी पिलाया, कुछ खिलाया इनको, वो गिरता रहता है ऊपर, तो इसलिए और भी काले हो जाते हैं। अब ये देखो एकदम से साफ हो गए। अब इन्हें हम पोंछ देते हैं। पोंछ के हम अच्छे से इनको वस्त्र पहना देंगे। अब इनको हम फिर से तैयार करेंगे, फिर आप लोग देखना ये कितने अच्छे हो जाएंगे बाबू। ये देखो एकदम नए लग रहे हैं ना, देखो बाबू को कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और देखो कितना अच्छा ग्लो आया है। ये देखो अब मैं लड्डू बाबू को कपड़े पहना दे रही हूँ और तैयार कर रही हूँ। एक बार आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करके देखना, देखना कितने सुंदर हो जाएंगे लड्डू बाबू। और ये हमने हल्के से कपड़े पहनाए हैं लड्डू बाबू को, इसलिए गर्मी ना लगे बिल्कुल भी बाबू को। अब हम इनको तैयार कर देंगे बाबू को। ये देखो हो गए हमारे बाबू रेडी।
ये देखो आप लोग एक बार जरूर इसको आजमाना और फिर देखना। अब हम इनका थोड़ा मेकअप और कर देते हैं, इसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखो मैंने चंदन से ही श्रृंगार किया है लड्डू बाबू का, और लड्डू बाबू को नेल पेंट ना लगाएं, इसलिए कि त्वचा जलने लगती है, उसमें स्प्रे होता है, तो इसलिए कुछ लोग नेल पेंट लगा देते हैं और लड्डू बाबू को बहुत तकलीफ़ होती है, तो उसका प्रयोग ना करें। ये हमारे लड्डू बाबू का मेकअप नहीं है, तो मैं रोज़ नया नया मेकअप करती हूँ। ये देखो सुंदर हो गए हैं हमारे लड्डू बाबू, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब हम लड्डू बाबू चंदन सेवा कर देते हैं, लड्डू बाबू है ना, सजा देते हैं लड्डू बाबू को। ये देखो हो गया, हमारे लड्डू बाबू तो हैं ही इतने प्यारे, लड्डू गोपाल का इसीलिए तो श्रृंगार खास माना गया है कि हमारा मन लड्डू गोपाल में लगा रही और हम इनको देखते रहे बार बार। ये देखो मैंने लड्डू बाबू का श्रृंगार कर दिया, हमारे लड्डू बाबू तैयार हो गए हैं, बैठेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो रेडी हो गए लड्डू बाबू ना। अब हम इनके बाल लगा देते हैं, जरूर बताना कि हमारे लड्डू बाबू कैसे लग रहे हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, इसलिए कि लड्डू बाबू को गर्मी ना लगे, इसलिए हमने बहुत सारी माला हार नहीं पहनाए हैं। हमारे बाबू तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखो सभी को राधे राधे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आवाज़ करना। राधे राधे।